सो इन क्वेश्चन नंबर वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके सामने है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होता है, ऑलरेडी आपको आइडिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था। ओके, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखना था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। NH2O4 में जो आपका ऑप्शन यहाँ पर NH2O4 में यहाँ पर देखोगे तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, और इस केस में देखोगे NH3 में तो आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर -1। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट किसमें है, किसमें लोएस्ट। सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसमें है, इसमें N3H में। ये क्या होता है बेटा, एजाइड। एजाइड पता है ना, N3 सिंगल नेगेटिव होता है या N ट्रिपल नेगेटिव, कौन सा होता है एजाइड आयन बोलो। N3 एंट्री ऑप्शन सी, N सिंगल नेगेटिव, कौन सा एजाइड है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड है, सेकंड, गुड वन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपको पता है NF5 एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज नाइट्रोजन कांट फॉर्म द फाइव बॉन्ड्स, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। ये ऑप्शन बहुत ही सिंपल था, ये सारे क्वेश्चंस नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक बार देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल लगते हैं तो फिर ऐसे ही आते हैं, अब इससे सिंपल, इससे टफ नहीं दे सकता मैं, ज्यादा टफ दूंगा तो फिर वो जेई एडवांस लेवल का हो जाए, फिर आप लोग कर नहीं पाओगे। इससे सिंपल नहीं आएगा, अगर आप सोचो कि इससे भी सिंपल क्वेश्चन आए, जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया इनको या जिनको नहीं आता है, तो इससे सिंपल बेटा उम्मीद मत रखो, इससे टफ ही हो सकते हैं। इससे सिंपल क्वेश्चन आज तक नहीं आए ना आएंगे कभी। तो जो लोग बायो वालों ने अटेम्प्ट नहीं किए हुए हैं तो फिर सोच लो आप कहाँ पर हो, कहाँ पर लाई करते, इससे सिंपल क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, टफ हो सकते हैं सिंपल नहीं। विच वन इज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, pH 3 का सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमने डिस्कस किया था। NH3 और SBH3 में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, यहाँ पर NH3 आपका लोएस्ट होता है SBH3 से, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट आपका ग्रेटर देन हो जाता है किससे, SBH3 से ग्रेटर देन हो जाएगा अमोनिया। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पैरा मैग्नेटिक। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, N2O डाया होता है, NO आपका पैरा, ये डाया, ये पैरा, ये डाया, ये आपके डाया पैरा लिखा हुआ है नोट्स। रूम टेम्परेचर पर ये पैरा मैग्नेटिक होता है NO2। अगर टेम्परेचर लो करते हैं एट लोएस्ट टेम्परेचर तो N2O4 में एग्जिस्ट करता है जो आपका डायमैग्नेटिक होता है, और इसका कलर आपका कलरलेस होता है। ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है क्लास, और NO2 का कलर होता है येलो, NO2 का कलर येलो होता है। अगर कलर की और बात करें तो N2O3 का कलर आपका ब्लू हो जाता है। और फिर हमने बात किया था कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो N2O3 आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड N2O5 आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी थ्री जो रिमेनिंग थ्री हैं वो आपके गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एनी डाउट किसी को? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5। PCl5 के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव तो नहीं है बेटा, ये रिएक्टिव होता है। क्यों? PCl5 नॉर्मली आपका PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 गैस निकलने लगती है, एंड अगर इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो आपका ये रिएक्शन बन जाता है, तो ये रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव यहाँ पर गलत लिखा हुआ, तो आपको इनकरेक्ट ही फाइंड करना था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। नाउ फिर बी ऑप्शन है, 3 इक्वेटोरियल PCl जो पी सिंगल बॉन्ड Cl बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, दैट इज राइट, बिल्कुल। यहाँ पर जो ये एंगल होते हैं दैट इज 120 डिग्री एंगल होता है, एंड ये एंगल होगा जो ब्राउन कलर के सीएल सीएल है, ये एंगल आपका 180 डिग्री होता है। तो वी कैन से दैट जो एक्सियल वाला एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, इक्वेटोरियल वाले एंगल होगा 120 डिग्री एंगल पर। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन होती है इक्वेटोरियल से जब सारे एलिमेंट आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट होता है, लाइक मैंने यहाँ पर कुछ रख दिया, यहाँ पर कुछ रख दिया, मतलब सीएल जो एक्सियल पोजीशन पर अलग एलिमेंट है और इक्वेटोरियल पोजीशन पर अलग है, तो आपका ये साइन उल्टा हो जाता है। ये सारी चीज क्लास में डिस्कस। ओके, एक्सियल पीसीएल बॉन्ड लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल, बिल्कुल सही ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपके करेक्ट है, ट्रू ट्रू ट्रू, ये आपका फॉल्स है, इसलिए वन आपको टिक लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज।
जिसके पास जितने पीएच बॉन्ड होते हैं, पीएच मींस ये वाला बॉन्ड, जिसके पास जितने पीएच बॉन्ड होंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, रिड्यूसिंग एसिड होता है। ओके तो यहाँ पर एच बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर तो जितने एच बॉन्ड होते हैं उतना आपका रिड्यूसिंग एसिड हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर H3PO2 में आपके एच बॉन्ड दिख रहे हैं, मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया आपको, तो H3PO2 आपका सही ऑप्शन। विच कंटेन पीएच बॉन्ड हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ये आपके नोट्स पर लिखा हुआ है। हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, ब्रिजिंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन एटम्स का मतलब होता है पी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, पी और पी के बीच में जो ब्रिज बना के बैठा हुआ है इसको बोलते हैं ब्रिजिंग ऑक्सीजन। अगर आपको नहीं पता था तो आप नोट कर लीजिए, ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स को हम बोलेंगे जब फास्फोरस फास्फोरस के बीच में जो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, आंसर आपका 6 आ जाएगा। ओके इसको हम ब्रिजिंग में काउंट नहीं करेंगे, जो डबल बॉन्ड फोर से अटैच होते हैं ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन में काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया, क्लियर है? ओके नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 78। 78 द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड मींस व्हिच कंटेन ओनली वन पीएच पीओएच बॉन्ड, पीओएच बॉन्ड जिसमें सिंगल होता है, जो आपका ये लिखा ये हाइपोफास्फोरस एसिड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वही उसी हाइपोफास्फोरस एसिड की प्रॉपर्टीज पूछी है, जिसमें स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पूछा था सिंपल, तो इससे सिंपल क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर बना के दिखा दो आप क्या स्ट्रक्चर होता है। ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर 78 के बाद जो ये क्वेश्चन नंबर 79 आपका ये था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 80 था, 79 क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी पीओ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन HPO3। इसका मैंने स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर बनवाए थे, एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर मैंने बोला था फॉलो करने के लिए, वो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है उसमें और यहाँ पर H गायब करते हैं उसमें। ओके ये डबल बॉन्ड होता है, तो वो केस आपको याद नहीं करना, जस्ट मैंने बताया था कि ये भी एग्जिस्ट करता है बट ऐसा आपको बनाना नहीं, कहीं पर अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो आपको ये फाइनल लेके चलना है और एनसीईआरटी वाला ही आपको फाइनल लेके चलना है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने पी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म होते हैं, यहाँ पर 3 P डबल बॉन्ड O फॉर्म होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें क्वेश्चन नंबर 80, द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5, PCl5 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फर्स्ट POCl3 मिलता है, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस में आपका फाइनल प्रोडक्ट H3PO3 मिलता है, H3PO4 आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा व्हेन वी हाइड्रोलाइज द PCl5 कंपाउंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, यस एंड हां वो 80 में POCl3 का हाइड्रोलाइसिस किया तो H3PO4 मिलता है ना? नहीं हाँ H3PO4 कम, जो ये प्रोसेस होती है ना बेटा वो कंप्लीट प्रोसेस होती है, ये एक ही स्टेप वाली रिएक्शन है, हम दिखाते हैं यहाँ पर कि इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये सिंगल एक ही प्रोसेस होती है, आपको दिखता है POCl3। अगर हम लोग बोला कि कंप्लीट यहाँ पर लिखा फाइनल प्रोडक्ट, तो ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर होती है। अगर हम यहाँ पर एक आपका मेथड होता है, अगर आपको सिर्फ POCl3 बनाना तो हम यहाँ पर रोक सकते हैं, समझ गए, तो POCl3 हम बना सकते हैं, अगर कुछ नहीं करेंगे तो H3PO4 बनेगा आपका डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट, समझे? ठीक है सर, इसलिए टू स्टेप में दिखाया कि POCl3 हम बना सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो, कुछ मेथड्स होता है उसके उससे हम लोग उसको POCl3 पर स्टेप में रिएक्शन रोक सकते हैं, बट अगर कुछ नहीं कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट की बात आती है तो डायरेक्टली H3PO4 में रुकेगी रिएक्शन। नेक्स्ट फॉस्फीन, फॉस्फीन इज नॉट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन, अच्छा कौन से रिएक्शन से फॉस्फीन नहीं मिलता, P4 अगर व्हाइट कलर का होता है तो आपका PH3 मिलता है एंड NaH2PO2 मिलता है, NaH2PO2 का नाम आपको पता है, लिखा हुआ है नोट्स में देख लेना एक बार, कोई बता सकता है क्या नाम होता है, एनीवन NaH2PO2 का नेम क्या होता है? ना नहीं पता यार, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, कोई और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अरे यार मजा नहीं आ रहा, इतना सिंपल का नाम नहीं पता,
सही है जो आपने बताया, सोडियम हाइपोफॉस्फेट सही ना। ओके, रेड फास्फोरस इज हीटेड विद एनएच। रेड फास्फोरस जब एनएच के साथ हीट करते हैं, यहाँ पर एनएच लिखा हुआ, यहाँ पर एनएच नहीं लिखा मैंने कहीं पर। ओके, तो एनएच के साथ जब हीट करते हैं हम लोग, तो आपका एच फोर पी टू ओ सिक्स बनता है। इसका नाम क्या होता है? हाइपो फास्फोरिक एसिड। इसका नाम होता है हाइपो फास्फोरिक एसिड। देखो जनरली ये रिएक्शन होती नहीं है, अगर आपने हीट नहीं किया तो ये रिएक्शन होती नहीं बेटा। रेड फास्फोरस रिएक्टिव नहीं होता है। तो अगर आपको कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है कि रेड फास्फोरस का रिएक्शन करा रहे हैं एनिमेट के साथ, तो रिएक्शन ही नहीं करता जब तक उसमें स्ट्रॉन्ग हीट ना किया जाए। रेड फास्फोरस की बात कर रहा हूँ, नोट डाउन। रेड फास्फोरस एनिमेट के साथ नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता जब तक हीट ना की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। ट्रू स्टेटमेंट फॉर द एसिड फॉर द फास्फोरस H3PO3, H3PO2, H3PO3, H3PO4। तो जो H3PO4 होता है बेटा, इस केस में यहाँ पर कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं होते हैं। जहां पर पीएच बॉन्ड नहीं होंगे तो वो आपका नॉन रिड्यूसिंग एसिड होगा, और जिसमें पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो आपका रिड्यूसिंग एसिड होगा। ये आपका रिड्यूसिंग एसिड है, ये आपका रिड्यूसिंग एसिड। ओके, पी की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहाँ पर, वो आपका प्लस फाइव में चेंज हो सकता है। ओके, बट H3PO4 में तो प्लस फाइव में ऑलरेडी रहती है, तो वो आगे चेंज नहीं हो सकती। तो फर्स्ट थ्री ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। एंड जो लास्ट ऑप्शन है H3PO2 इज ऑब्टेन्ड बाय द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ P4। P4 का हम लोग रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, हाइड्रोलिसिस किया, PH3 बनता है, एंड H3PO2 कंपाउंड ये आपका बनेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन को सही माना गया। ए गलत है, बी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, ए बी सी आपके कंप्लीटली रॉन्ग है, डी आपका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। ये आपका B1 B2 दोनों में दिया था मैंने। फॉर 1 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ N2 गैस प्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं ए ऑप्शन को देखूं तो ए ऑप्शन में 1 मोल से आपका 1 मोल N2 मिल रहा है, तो 1 मोल NH4 होल ट्वाइस अमोनियम डाइक्रोमेट से आपका 1 मोल N2 मिलता है। इसके 1 मोल में इसका 252 ग्राम होता है, ये इसका मॉलिकुलर वेट लिखा हुआ है यहाँ पर, कन्फ्यूजन नहीं होने का। 252 ग्राम से इसके 1 मोल मिलते हैं, ये भी क्लियर है। तो इसके 1 मोल से कितना ग्राम मिलेगा? 1/252। सेम आप मेथड लगाओगे फॉर ऑप्शन बी के लिए, तो ऑप्शन बी में 1 ग्राम से मिलने वाला N2 होगा 1/1/80 मोल ऑफ N2। अगर सी ऑप्शन को देखेंगे जो आपका एजाइड है, यहाँ पर 1 ग्राम से आपका 3/ यहाँ पर 3 मोल मिल रहे हैं, तो 3/221। ओके, यहाँ पर देखो 2 मोल मिल रहे थे, तो इसको 2 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 1 मोल मिलेगा। सेम केस अगर डी में देखोगे हम लोग, तो डी में 1 मोल से आपका यहाँ पर देखो 2 मोल ऑफ अमोनिया से 1 मोल ऑफ N2 मिलता है, तो 1 मोल से आपका 1/17 × 2, इसका आता 1/34 मोल। अभी आप इन दोनों में जितने मैंने सर्कल किया, इसमें और इसमें और इसमें आप कंपेयर करके दिखा दो किसमें कम मिल रहा है, किसमें ज्यादा मिल रहा है। मैक्सिमम नंबर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ H2 मिलेगा, N2 मिलेगा। ओके, मॉलिक्यूल होंगे जब मैक्सिमम, तो आपका वेट भी मैक्सिमम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ज्यादा तो वेट भी ज्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्वांटिटी पूछा था, तो आपका डी ऑप्शन सही था यहाँ पर, डी मीन्स फोर्थ ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 82, ऑब्जर्व द 3 कॉलम यहाँ पर लिखा था, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। B1 बैच में, बायो बैच में मैंने करेक्ट पूछा था, और B1 B2 में मैंने आपका इनकरेक्ट पूछा था। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज इसलिए कॉपर जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है डाइल्यूट फॉर्म में, तो NO में कन्वर्ट होता है, ये कलरलेस होता है, इसका नेचर जो एसिडिक मीडियम अगर हम देखेंगे तो ये न्यूट्रल होता है। कॉपर नाइट्रेट और वाटर आपका बनता ही है, इससे कोई मतलब नहीं रहता। जब तक कुछ पूछा ना जाए इसके बारे में, तो इसको निग्लेक्ट ही करो, आपका मेन फोकस इसके बारे में रहना चाहिए। सेम केस अगर कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं, तब आपका NO2 बनता है, राइट, और बाकी आपके दोनों सेम टू सेम बनते हैं। NO2 का कलर आपका ब्राउन होता है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एंड इसका नेचर एसिडिक होता है। सेम केस अगर हम लोग ZN के साथ करें, डाइल्यूट और कंसंट्रेट के साथ, एक में N2 बनता है और एक में NO2 बनता है। N2 आपका न्यूट्रल होता है और ये आपका ब्राउन होता है। तो इसमें सेकंड के साथ जो ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड के साथ ये थर्ड मैच कर रहा है। कंसंट्रेट के साथ अगर करेंगे तो ब्राउन गैस मिलेगी और एसिडिक मिलेगा,
एंड फिर आपका क्यू बन रहा, तो ब्राउन गैस आपकी एनओ टू होती, तो ये और ये और ये वाला करेक्टली मैच हो रहा है। समझ में आया? कितने लोगों का सही था ये वाला क्वेश्चन बायो में, कितने लोग का सही था मुझे देखना पड़ेगा, कितने लोग का सही है। काफी लोग ने सही किया ही होगा, पहले देख लेता हूँ, भरोसा नहीं है ऐसा इतना अच्छा क्वेश्चन, छोड़ो बाद में देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, H3PO4 एंड H3PO PO3 एंड PO4 आर करेक्ट चॉइस। यहाँ पर देखो H3PO3 में आपके 2OH बॉन्ड होते हैं एंड H3PO4 में 3OH बॉन्ड होते हैं, तो ये आपका ट्राई बेसिक हो जाएगा और ये आपका डाई बेसिक हो जाएगा, इतना तो सबको आइडिया हो गई। देन 2OH बॉन्ड है तो आपका 1PH बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यहाँ पर कोई PH बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा H3PO4 में, तो ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा, जिसमें PH बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपका रिड्यूसिंग हो जाएगा, सिंपल है। ओके नाउ एक्स्ट्रा प्योर N2, ये मैंने क्वेश्चन लिखाया था, एक्स्ट्रा प्योर N2 आपका BaN3 होल ट्वाइस से मिलता है। यहाँ पर सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑर्डर लिखना था, किसमें मैक्सिमम है किसमें मिनिमम है। नेक्स्ट अपॉन हीटिंग KCl आपका क्या कंपाउंड बनता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था लास्ट क्लास में कि पहले आपका KCl मिलता है और O2 मिलता है। ओके याद रखना ये यहाँ पर कैटलिस्ट होता, अगर कैटलिस्ट नहीं होता है तो ऑक्सीजन की जो यील्ड है बहुत कम होती है जब तक आपका MnO2 कंपाउंड नहीं डाला जाता है यहाँ पर। ओके तो MnO2 की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंस होना जरूरी है यहाँ पर, O2 की अगर यील्ड आपको इंक्रीज करना है तो। ओके वो हम लोग बाद में देखेंगे जब आपका MnO2 कंपाउंड आएगा और पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये फिर से आ जाएगा कंपाउंड MnO2। नेक्स्ट P4 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो P2O5 बनता है जो P4O10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4O10 HNO3 के साथ रिएक्शन करके N2O5 और HBO3 में कन्वर्ट होता है। तो ये वाले रिएक्शन आपको मैंने B2 बैच में और B1 में दिया था, सिर्फ ये वाले रिएक्शन सिर्फ नीट वालों को। गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2, ये फिर से आ गया H3PO2, काफी ज्यादा मैंने दिया, पता नहीं कैसे दिमाग में बैठ गया, H3PO2 के बारे में क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे। एट्रीब्यूटेड इन प्रेजेंस ऑफ 1OH बॉन्ड है, 2PO बॉन्ड है यहाँ पर, तो 2PH बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। ओके नेक्स्ट, आयोडीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, आयोडीन का रिएक्शन हमने लिखाया था PICS फिक्स का रिएक्शन लिखाया था, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करके HIO3 बनाता है, HIO4 नहीं बनाता है, HIO4 बनता तो रिएक्शन पीछे चल जाती है, तो HIO4 क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, HIO4 नहीं बनता, सिर्फ HIO3 बनता है। किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, सॉरी किसी भी इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुंचाता है वो। ओके तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होता है, हाँ 7 होता है, यहाँ पर 5 होता है, तो 7 में नहीं जाता, 7 वाला स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट PCB के बारे में हम लोग PCM1 और 2 के बारे में आते हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ध्यान से देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था इस केस में, तो इस केस में आपका क्या आंसर आया था B1 B2 वाले, एनीवन इसमें क्या आंसर आया था कोई बता दो यार। समर्थ आपका तो सही हुआ होगा, क्या आंसर आया था इसमें सर? डी आया था जी। गुड, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैंने बताया N2O5 और HPO3 बनता है। ओके ये क्वेश्चन, हाँ आप लोगों को ये भी दे दिया था मैंने, ध्यान नहीं दिया मैंने, दोनों क्वेश्चन एक साथ दे दिया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस है, ये क्वेश्चन भी आपको डिस्कस है। ओके इस क्वेश्चन में हाउ मेनी द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज, यहाँ पर आपको लिखा हुआ A B C E और F आपके करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, देख लेना, सिंपल सी बेसिक प्रॉपर्टीज है जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं सारे चैप्टर्स के, इवन एस ब्लॉक से लेकर के अभी तक, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग यही आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑक्सीडेशन स्टेट, यही सारे कवर कर, फिर आपका आता हाउ मेनी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये निकाल सकते हो डाउन द ग्रुप जाने पर कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है, तो ADF यहाँ पर आंसर सही।
एक क्वेश्चन और दिया था इन लोगों को, हाउ मेनी फॉलोइंग रिएक्शन फॉर्म N2 गैस, N2 गैस रिलीज कहाँ पर होती है? तो जितने भी यहाँ पर रिएक्शन देते सब में N2 गैस बनती है बेटा, अमोनियम नाइट्राइड से लेकर के एजाइड तक सारे के सारे रिएक्शन में N2 गैस बनती है। तो ये आपका NCERT में भी सारी रिएक्शन दी होंगी और आपके नोट्स में भी सारी रिएक्शन लिखाई है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ओ एटम्स हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, सारे के सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड से अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ओके, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो POP जो बॉन्ड होता है उसका एंगल 127 डिग्री होता है, एक्सपेरिमेंटल है, याद करने की जरूरत नहीं है, याद होता है तो अच्छी बात है, आया है नहीं कभी। ओके, बॉन्ड एंगल ऐसे कभी पूछता नहीं है, जो मैंने बॉन्ड एंगल 5-6 बताया तो उतने ही पूछते हैं, बाकी नहीं पूछते। ओके, तो पेपर डिस्कस है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? B1 B2 ये B1 वाला पार्ट था, B1 वालों को मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया था। ओके, ये B2 वालों को दिया होगी, तो पेपर पूरा डिस्कस है, कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज हम लोग मूव कर सकते हैं सीट डिस्कशन में और आगे का ग्रुप 17 कवर कर सकते हैं। अच्छा, सीट सॉल्व किया आपने ग्रुप 16? ग्रुप 16 सॉल्व किया सीट? नो सर। सॉल्व करो, इवनिंग में डिस्कस करते हैं। ओके, अभी हम लोग 17 ग्रुप स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ओके, अब डाउन द ग्रुप जाने पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज डिक्रीज होती है, हल्का हल्का सा हम लोग देख लेंगे। ओके, आपको ऑलरेडी आइडिया है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब चीजें आपको आइडिया है। ओके, सब लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं अभी। ओके, बिकॉज शाम तक सॉल्व कर लेना जितना हो सकता है, तो नहीं तो फिर कल डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ओके, कल भी सी डिस्कशन होगा इवनिंग में जो आपका होगा। इवनिंग जो लेक्चर होगा ना, आज इवनिंग 6 to 7:30 और कल भी इवनिंग 6 to 7:30 जो लेक्चर होंगे वहां पर सीट ही डिस्कशन होगा। ओके, जितना क्वेश्चन आज सॉल्व हो सकते हैं कर लेना, नहीं तो हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ओके, अगर सीट सॉल्व नहीं किया तो फिर मैं थ्योरी लेक्चर ले सकता हूँ, याद रखना इवनिंग, अगर सीट सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने तो ज्वाइन जिसको करना है कर सकते हो, नहीं करोगे तो लॉस हो जाएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अभी ग्रुप 17 है। ओके, तो ग्रुप 17 का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम लोग कौन कौन क्या बोलते हैं, एनीवन? हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली बोलते हैं इनका। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम दूं